HSN TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2,21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ हिस्सा है जड़ा अमेरिका दा उस सरहद ते मिले ने लब्बे ने फड़े गए ने यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने इसकी जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि सोमवार को जड़े अमेरिका की दक्षिणी सरहद ते 2,21,000 के करीब जड़े प्रवासी ने फड़े गए ने और जड़ा ये डाटा है ये पिछले साल नालों इस साल सब तो ज़्यादा वध मात्रा दे विच कहा जा रहा है कि सब तो ज़्यादा जड़े ने मार्च महीने दे विच प्रवासी अमेरिका मैक्सीको सरहद ते फड़े गए ने CBP ने दसिया कि अक्तूबर तो लैके हुण तक अमेरिका की दक्षणी सरहद ते 10 लाख तो भी ज़्यादा जड़े प्रवासी ने वो फड़े जा चुके ने और बहुत सारे प्रवासी कहा जा रहा है कुछ मैक्सीको दे नाल संबंध रखते ने कुछ जड़े ने सीरियाई ने सो अलग अलग मुल्कां तो जड़े बच्चे ने और अणव्याहे बच्चे ने अणव्याहे बालक ने जड़े कि सरहद ते फड़े गए ने और मार्च महीने का जड़ा डाटा है सब तो वध है जुड़े रहो HSN न्यूज़ के नाल।